सभी को संगीता का प्यार भरा नमस्ते। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बल्कि कुछ और बता रही हूँ। मेरी किचन ग्रोसरी की शॉपिंग बता रही हूँ, जो पूरी ऑर्गेनिक है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आप ज़रूर मेरा पूरा वीडियो देखिए और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी हर एक चीज़ की। आज मैं आपको ऑयल के बारे में बता रही हूँ, और जो हमारे किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, और हम अलग अलग तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये ऑयल कोल्ड प्रेस ऑयल है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, और बाज़ार में मिलने वाले जो बहुत तापमान में और हाई इक्विपमेंट में बना जाते हैं, तो इसकी वजह से उसके सारे गुणधर्म, प्रोटीन, विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए। ये थोड़े महंगे होते हैं, बट आप अपने हेल्थ के हिसाब से ले सकते हो। और इसमें कोकोनट ऑयल भी है, जो बहुत ही बेनिफिट देता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लीवर और किडनी से टॉक्सिन्स निकालता है, और हमारा बॉडी फैट भी कट करता है, और इसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं। तो आप कभी भी ऑयल खरीदोगे तो कोल्ड प्रेस ऑयल ही खरीदिए। इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑयल मिलते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। ये रेड राइस है, ये बहुत ही हेल्दी राइस है, और डायरेक्ट फार्म से आया हुआ है, और ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर, आयरन है इसमें, और इसमें जिंक भी है, B2 और B6 विटामिन्स है, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो आप जब भी यूज़ करोगे तो हो, अगर आप वेट लॉस जर्नी में भी हो तो ये चावल आप यूज़ कर सकते हो। ये पकने के लिए थोड़े हार्ड होते हैं, बट आप रात को इसको भिगो के रखोगे तो सुबह ये जल्दी बन जाएंगे। ये है ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, गुड़ की पाउडर है। आप इसको खीर में और कोई भी स्वीट चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, और डायबिटीज़ के लोगों को भी ये थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राउन शुगर है, आप तो जानते होंगे ब्राउन शुगर के बारे में। इसमें कम कैलोरीज होते हैं वाइट शुगर के हिसाब से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने खाने में। ये पिंक नमक है, हिमालय का, और बहुत ही हेल्दी नमक है, और इसके भी बेनिफिट आपको पता ही होंगे। तो आप जब भी किचन में यूज़ करोगे तो पिंक नमक ही यूज़ कीजिएगा। ये टोफू है, सोया प्रोडक्ट का बनाया हुआ है, हमारे नॉर्मल पनीर के हिसाब से। इसमें थोड़े कैलोरीज भी कम है, और आप अगर डाइट कर रहे हो तो टोफू आप आराम से खा सकते हो, और इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूंगी ज़रूर, तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए। ये टमाटो सॉस है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाली है, और मिठास जो है वो नेचुरल शुगर है, शुगर फ्री है, कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट इसको खा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए, और आप भी ज़रूर टेस्ट करके देखिए। ये मल्टीग्रेन दलिया है, इसमें 5 टाइप के ग्रेन मिक्स है, आप इसकी खिचड़ी, पुलाव बना सकते हो, और मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये एम्रांथ है, इसको हिंदी में राजगीरा कहते हैं, और ये बहुत ही पावर हाउस न्यूट्रिशन का है। इसमें रिच आयरन है, फाइबर है, प्रोटीन है, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूंगी, और आप इसका दलिया टाइप भी बना सकते हो, और बहुत सारे रेसिपीज़ हैं इसके, मैं आपको बताऊंगी इसके रेसिपीज़, और ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। ये एक मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है, ये जामुन का जूस है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है, और इसमें कोई शुगर नहीं है,
आप इसको ले सकते हैं शुगर कंट्रोल के लिए, और जिसको शुगर है वो भी इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जूस है और मेरे ड्रेस से मैचिंग भी है, तो अच्छा लगा। ये सनफ्लावर सीड्स है, आप इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हो, और इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत ही हेल्दी है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये पान का मुखवास है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है या कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आप डाइजेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पाव भाजी का मसाला है और मैंने इसको यूज़ किया है तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आप भी यूज़ करके देख सकते हो, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छा कुमकुम मिला है मुझे, ये गौ गंगा का है और ये हल्दी से बना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और आप अपने भगवान की पूजा में इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। बाहर के बाज़ार के कुमकुम में बहुत सारा कलर यूज़ किया होता है, ये खुशबूदार और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और ये लास्ट प्रोडक्ट नारियल का शेल है, इसमें आप सैलेड सर्व कर सकते हो और डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, होम डेकोर के लिए। मैं तो इसमें सैलेड बना के सर्व करना चाहूँगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कीमत थोड़ी ज़्यादा है बट बहुत अच्छा है। तो ये रहे मेरे सारे प्रोडक्ट, मुझे यकीन है कि ये आपके बेनिफिशियल भी हैं हेल्थ के लिए और आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। आप कोई भी बड़े मार्केट से ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। तो आपने मेरा वीडियो देखा लास्ट तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।